Obst und noch. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग 9th कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर। स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में प्रीपोजिशन को पढ़ा था। प्रीपोजिशन जो है वो एक क्या था, एटॉमिक सेंटेंस था या एक जुमला था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम लोग एक या एक से ज्यादा प्रीपोजिशंस को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक प्रीपोजिशन जो थी वो ये थी, आज है, सोमवार है। दूसरी प्रीपोजिशन थी, बारिश हो रही है। तो ये दो अलग अलग से क्या है, प्रीपोजिशन है। हम लोगों ने फिर इसके बाद ये पढ़ा, आज सोमवार है और बारिश हो रही है। तो इसमें हमने ये वाला जो और पढ़ा था ये एक्चुअली हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था। बस यही बताया था कि ये एक जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन बन गई। कंपाउंड प्रीपोजिशन किसने बनाई, इस और ने, और इस और को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। जी ये लॉजिकल ऑपरेटर है। इस तरह से हमारे पास तीन तरह का लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको हम लोग कहते हैं एंड। अगर हम लोग सिंगल इसी प्रीपोजिशन या एक्सप्रेशन को ट्रीट करें तो इट्स रिजल्ट्स जो है, इसके जो वैल्यूज जो है वो बुलियन है। इसको सिंगली ट्रीट करें इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। बारिश हो रही है ये भी जो है ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसके भी हमारे पास रिजल्ट्स जो होंगे इट मे बी ट्रू और फॉल्स। तो ओवरऑल हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनी है, ये आज सोमवार है और बारिश हो रही है, ये इटसेल्फ एक जो है ये बुलियन एक्सप्रेशन है और हम लोग इसको कंपाउंड बुलियन एक्सप्रेशन कहेंगे। इसके ओवरऑल रिजल्ट्स देखें तो वो भी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो इस कंपाउंड प्रीपोजिशन के जो रिजल्ट्स हैं वो लॉजिकल आर ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन के ऊपर, नंबर सेकंड इस एक्सप्रेशन के ऊपर, नंबर थर्ड इस लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर। इन तीन कॉम्बिनेशन के साथ इस ओवरऑल लॉजिकल ऑपरेटर के रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखते हैं कि ये जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको हमने आर का नाम दिया, ये किस तरह से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। अगर हम लोग अपनी कंपाउंड प्रीपोजिशन में एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करें तो उसकी आउटपुट जो है वो कैसे निकलती है, तो हम लोग देखेंगे। इनकेस हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, इसको हम लोग डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास आज सोमवार है, ये इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बारिश हो रही है, हम लोग इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये बात डिस्कस की थी कि किसी भी एक्सप्रेशन या प्रीपोजिशन को हम लोग एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं।
और इसको हम लोग डॉट के साथ भी लिख लेते हैं। और इसका एक और लॉजिकल ऑपरेटर भी है, इसका सिंबल जो है, अगर हमारे पास लैंग्वेज सी हो तो हम लोग इसको इस तरह से एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। ये इसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो आउटपुट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बुलियन ही देता है। मीन्स क्या, इसकी जो रिजल्ट होंगे वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स होंगे। तो जितने भी इसके अंदर प्रीपोजिशंस होंगी, लेट्स से कि ये P है, ये Q है, P डॉट Q, तो मोर देन टू प्रीपोजिशंस भी कंबाइन हो सकती हैं, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू होंगे इफ ऑल प्रीपोजिशंस बिकम्स ट्रू। जितनी भी प्रीपोजिशंस के साथ मिलकर एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बनी है उसमें से सबके रिजल्ट्स ट्रू प्रीपोजिशन में, उसमें से एक भी एक्सप्रेशन, एक भी प्रीपोजिशन फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो होंगे वो फॉल्स होंगे। लेट्स से कि हमारे पास ट्रू ट्रू ट्रू, तो इसका अगर हम लोग ओवरऑल रिजल्ट्स देखें तो ट्रू होगा क्योंकि ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ओवरऑल इसमें से एक ये दूसरी और तीसरी तीनों की तीनों ट्रू है। लेट्स से कि हमारे पास एक प्रीपोजिशन का रिजल्ट फॉल्स है और बाकी सब के सब ट्रू हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो इसकी होंगे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। नंबर सेकंड पे हम लोग डिस्कस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर आर। लॉजिकल ऑपरेटर को आर को हम लोग प्लस के साथ या फिर इस सिंबल के साथ हम लोग प्रेजेंट करते हैं। इसमें जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी बुलियन होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्रू आर फॉल्स। तो लॉजिकल आर ऑपरेटर जो है वो रिजल्ट्स ट्रू प्रोड्यूस करता है अगर उसके जितने भी पॉसिबल प्रीपोजिशन या एक्सप्रेशन यूज हुई हैं उसमें से एक भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू हो, तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो होंगे वो ट्रू होंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक प्रीपोजिशन है उसका रिजल्ट ट्रू है, दूसरी प्रीपोजिशन का रिजल्ट जो है वो फॉल्स है, तीसरी प्रीपोजिशन का रिजल्ट फिर हमारे पास जो है वो ट्रू है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वो ट्रू होंगे। क्योंकि हमें देखना यह है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंदर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट्स क्या होंगे, ट्रू होंगे। लास्ट टाइम हमने जब एंड को डिस्कस किया था, एंड डॉट, तो इसमें हमने कहा था ट्रू डॉट फॉल्स डॉट ट्रू। इसमें से हमने देखना यह है कि अगर एक भी फॉल्स है तो ओवरऑल इसके रिजल्ट्स जो होंगे वो फॉल्स होंगे। इसमें हमने क्या, कौन सी की याद रखनी है कि एक भी रिजल्ट ट्रू होगा ओवरऑल रिजल्ट्स जो होंगे वो ट्रू होंगे। तो थर्ड वन जो है वो हमारे पास है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट जो है ये कंपाउंड प्रीपोजिशन नहीं बनाती जैसे एंड। तो अगर हम लोग लिखेंगे कि आज सोमवार है, इसको हमने पी का नाम दिया, तो अगर मैं नॉट लिखूंगा नॉट पी, तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होगा कि आज बारिश नहीं हो रही। यानी कि ये नॉट ऑपरेटर है ये हमें आंसर जो है वो रिवर्स प्रोड्यूस करके देता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो डिस्कस किए हैं। तीन लॉजिकल ऑपरेटर थे एंड और ना, तीनों में से जो पहला और दूसरा एंड और जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को टू या टू से ज्यादा एक्सप्रेशन को कंपाउंड जो है एक्सप्रेशन बनाते हैं और देन रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। किस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हमने
डिस्कस किया। एंड के अंदर आपने ये देखना है एक भी फॉल्स हो तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स होते हैं, और आर के अंदर हमने देखना है कि एक भी ट्रू हो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ट्रू होंगे, नॉट जो है वो रिजल्ट को रिवर्स करके प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स बस इतना ही हमारा आज का लेक्चर था, इसको आपने अच्छी तरह से गौर से देखना है, क्लियर करना है, और आपने वीडियोस को जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना है। हमारा ये बुलियन जो है वो अलजेब्रा का टॉपिक शुरू हुआ होगा, इस सिलसिले में आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम लोग मजीद इसी को कंटिन्यू करेंगे, तब अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, आपको आपने कुछ गेन किया है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।